आम तौर पर ट्रेन में आपने लोग देखे होंगे कि बिना टिकट यात्रा चढ़ जाते हैं और वो एरिया होता है वॉशरूम जहां अपन पानी लेते हैं मुंह धोने के लिए वहां के नज़दीक। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर वो मजबूरी ही हो कि वो टिकट करवा ही नहीं सकते तब इसमें किसका दोष माना जाए? आप सोच रहे हैं कि आखिर कौन है वो लोग, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी में और फ्रेम में जो आप लोग देख रहे हैं ये लोग हैं एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं ग्वालियर से इंदौर। कोई मुरैना से इंदौर, कोई भिंड से इंदौर, तो कोई दतिया से इंदौर जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं क्या इस दौर में ग्वालियर में सेंटर नहीं है क्या? ग्वालियर में सेंटर है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनको सेंटर बाहर दे दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब बता सकते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि इन्हें 2 या 3 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि इनका सेंटर कहाँ है। अब बताइए ऐसे में कैसे रेल का टिकट करवा लें, कैसे इनका वेटिंग क्लियर होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए लोगों से हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा सूरज सिंह से करवा नाम है। सूरज ये बताइए कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं मुरैना के छोटे से गांव से हूँ। ये बताइए कि आप जो है इंटरसिटी से सफ़र कर रहे हैं ग्वालियर से इंदौर, आपका टिकट क्लियर हो पाया नहीं हो? जी सर, मेरा टिकट नहीं हो पाया, इसलिए मैं तत्काल में जनरल का टिकट लिया और बारिश भी काफ़ी हो रही थी और मैं मुरैना के छोटे से गाँव से आया हूँ। काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि ये लोग क्या 3 दिन पहले तुम्हारे सिटी सेंटर बताते कि इस कॉलेज में पढ़ा हुआ है और 7 दिन पहले तुम्हारी कॉलेज सिटी बताते हैं, पर अपन को दिक्कत तो ये आती है टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है। अपन उसको कंफर्म कराते तो वो होता नहीं है और फिर ट्रेन बैठ जाओ तो वो दिक्कत आती है और पेपर के टाइम पे काफ़ी लोग जाते हैं, वो जनरल डिब्बे में कहाँ से जा पाओगे आप? सुबह एग्जाम देने जाओ, कितना डिप्रेशन रहता है बंदे के ऊपर, एक एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहा है प्लस पेपर देने भी जा रहा है, कितनी तैयारी की तैयारी दिक्कत आई आप ये बताइए सर मुझे। कितने दिन पहले आपको सेंटर बता रहे हैं लोग? सर 7 दिन पहले सेंटर शो होता है कि सिटी में पड़ा हुआ है आपका, या तक कॉलेज नेम शो नहीं होता है आपका, क्या पता किसी हाईवे से आउट हो, सिटी तो प्रॉपर बता देते हैं वो, थोड़ा आसपास भी तो हो सकता है। चलो फिर से उससे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत तो इस बात से टिकट कन्फर्म नहीं होता है। तो 7 दिन पहले अगर आपने करवाया तो भी आपको वेटिंग ही मिल रहा है? वेटिंग मिल रहा है। तो टीटी साहब मिले, उन्होंने आपकी समस्या को समझा? अभी तो वो आए नहीं है, लेकिन आएंगे तो वो क्या करेंगे, 500-400 रुपये की लगा दें, भुगतना पड़ेगा, मजबूरी हमारी तो खड़े होकर जा रहे हैं, इसमें भी सीट नहीं मिली है। और वहाँ से लौट के आएंगे तो भी यही दिक्कत है? अब दिक्कत तो वही आएगी सर, आप समझ लो क्लियर है, जब इधर से टिकट नहीं हुआ तो उधर से कैसे हो जाएगा ये बताइए। हाँ, क्या नाम है? आशीष तिवारी। आशीष जी, आप कहाँ से? ग्राम छत्री का। तो ट्रेन से आने का कारण बस से भी आ सकते थे ऐसा कुछ, या ट्रेन में इजी रहता है? ट्रेन में इजी रहता है ना, इसलिए। आपका टिकट क्लियर हो पाया? नहीं हो पाया। आपका टिकट क्लियर नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इस माध्यम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि चेयरमैन साहब आपकी बात को ज़रूर सुने और मुख्यमंत्री शिवराज जी भी सुने, उन्हें लगे कि उनके भांजे बिना टिकट या वेटिंग टिकट में जो है सफ़र करने के लिए मजबूर है। और हम समझ सकते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपको सेंटर 7 दिन पहले ही बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब जी कहना चाहेंगे आपको जो दिक्कत हो रही है? वो दिक्कत तो यही रही है, वो तो मजबूरी है हमारी ना, इसलिए। आपकी मजबूरी है इसीलिए आपको जाना पड़ रहा है? हाँ। आपके और भी कितने साथीगण होंगे इस ट्रेन में? कम से कम 50-60 तो होंगे ही। कम से कम 50-60? हाँ हाँ, ज़्यादा ही होंगे, 200-300 वो भी हो सकते हैं, 200-300 भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ। जनरल में हालात देखे आपने क्या है वहाँ? जनरल तो पूरा ही चक्कर भरा है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। देख के डर गए थे? हाँ, तो डर तो लगता ही है, बल गिर नहीं जाए इसलिए। उमस का मौसम भी दिक्कत हो रही है। हाँ। क्या नाम भैया आपका? जरा इधर आ जाइए। अभिषेक अहरवाल। अभिषेक जी कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर से। ये बताइए वेटिंग टिकट में पहली बार सफर कर रहे हैं कि पहले भी किया है? पहले किया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, सारे जनरल डिब्बा भर रखे हैं, इधर पे खड़े होने की परेशानी हो रही है, पूरा गीला हो रखा है पानी से, क्यों भींगते हुए आए घर से ही, क्या करें, परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। तो बस के बारे में सोचा आप लोगों के बस से आ जाए तो? बस से आने के लिए पैसे नहीं है, इतने गरीब घर से हैं सब, बस से आने के लिए पैसे नहीं? हाँ, पैसे वाले होते तो परेशानी कैसे झेलती इतनी, हैं पैसे ही नहीं है, कहाँ से आए बस से आए। तो जैसे सेंटर दूसरे शहरों में दिया जा रहा है, इसको लेकर के आप लोगों ने कहा किसी से? अभी तक तो कौन सुनेगा, अभी तक तो सुनी नहीं है, अब कौन सुन लेगा और किससे बोलेंगे, परेशानी चक्कर क्या उनको नहीं होती ना, नेताओं के लोगों को ना, उनके बच्चों को, आम आदमी को परेशानी हो रही है, जो गरीब घर के बच्चे आ रहे हैं उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है ना सब प्रकार से, उन्हें तो बस कहना है सेंटर डालने हैं। तो ज़्यादातर ग्वालियर के लोगों का इंदौर या बाहर दूसरे शहरों में ही?
हाँ सभी का ही आ रहा है, ग्वालियर भिंड मुरैना सब जगह से लड़के जा रहे हैं। कम से कम पूरी ट्रेन भर रखी है, जनरल डब्बे में जगह नहीं है। इसमें खड़े हैं तो इसमें भी ये टी टी आएगा वैली में आएगा 200-300 रुपये घंटे देंगे, खड़े होने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है हमारी। टी टी साहब को आप अपनी समस्या बताएंगे तो समझेंगे, उन्होंने भी कभी परीक्षा दी होगी। अब पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे बता देंगे समझ जाएंगे वो। और जैसे कि आपने जनरल में भी देखा होगा केवल लड़के ही हैं ज़्यादातर कि बेटियाँ भी हैं? लड़कियाँ भी हैं, लड़कियाँ ही परेशान हो रही हैं, लड़कियाँ भी सारी एग्ज़ाम देने के लिए आ रही हैं, सारी लड़कियाँ परेशान हो रखी हैं। कौन है सुनने वाला? कोई नहीं सुनता। उधर से लौटेंगे तब भी जैसे आप लोग सुबह पहुँचेंगे, जैसे हम खर्चे की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि गरीब परिवार से हैं, तो सीधे सेंटर पर जाएंगे या फिर कमरे या रुकने की कुछ व्यवस्था? कोई कमरे नहीं है, सीधे सेंटर पर आए वहीं पर प्लेटफॉर्म पर सोएंगे या तो सुबह या सीधे सेंटर पर पहुँचेंगे। पैसे होते तो कोई इसमें सफ़र करते हैं या फिर करा दे टिकट तो उधार लिए करा दे किसी से, कहाँ है पैसे देने। ये सेंटर जो है पिछली बार जो पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें उसमें भी ऐसा ही था या इसी बार किया है? नहीं उसमें कहाँ था, सिटी तो 7 दिन पहले उसी में भी शो होती थी ऐसे ही पर, लेकिन उसमें क्या हुआ? नहीं नहीं मेरा भोपाल पढ़ा हुआ था मैंने, इससे पहले पुलिस के 2 एग्जाम दे ली, 17 में भी दिया था मैंने, 22 में भी दिया था मेरा, दोनों बार भोपाल गया है। और इस बार तो हद कर दी उन्हें, सीमाएँ पार कर दी मेरे साथ। कैसे सीमा पार कर? मेरे साथ के लड़के का बालाघाट गया है, पहले बालाघाट नहीं आता, पहले नहीं आता, पहले इंदौर उज्जैन और भोपाल तक हद था, लेकिन इस बार मेरा रतलाम डाल दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्या टिकट की दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है, फिर खड़े होकर जा रहे हैं, इतने पैसे भी नहीं है, किसी के पास कराने जाओ तो वो कहते हैं एजेंट कर देगा, तुम्हारा एजेंट 300 रुपये लेता है तो वो 2000 रुपये का 1500 का टिकट कराएंगे, इतने पैसे कहाँ है हम लोगों के पास। पैसे होते तो ये 20000 रुपये की नौकरी के लिए हम सफर नहीं करते सर, आप समझ सकते हो इस मजबूरी को। आप भी पुलिस परीक्षा? नहीं आप नहीं दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनकी परेशानी क्या है। कुछ कहेंगे चलिए यात्री के नाते आपको ट्रेन पर ज़रा अपना वो बता दीजिए क्या है, बढ़िया कितने नंबर आप ट्रेन को देंगे सुविधाओं के मामले में? किराया टिकट तो लिया होगा ना? टिकट सर लिया है ना, लिया है ना टिकट, तो टिकट लिया है तो फिर पैसा खर्च किया तो आप सुविधा भी चाह रहे हो? अब सुविधा सर भीड़ ज़्यादा है इसमें, भीड़ ज़्यादा है तो भीड़ तो इनकी वजह से है, अब ये परीक्षा देने आए क्या करें। इनका कहना है कि मजबूरी है, मजबूरी की वजह से इनको सफ़र करना पड़ रहा है, वरना किसी को शौक नहीं है कि इंदौर जाकर के अपना पैसा फूंकें, ट्रेन में फूंकें, बस में फूंकें, लेकिन ये पैसा फूंका जा रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो वरिष्ठ अधिकारियों का, नेताओं का, जैसा कि इन्होंने कहा कि नेताओं के बच्चे तो देने नहीं जाते, गरीब परिवार के हैं इसीलिए हम पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये केवल लड़के ही हैं? जी नहीं, इसमें मध्य प्रदेश की बेटियां भी हैं, शिवराज जी की लाडली बेटियां हैं, वो भी सफ़र करने को मजबूर है। कोई वेटिंग टिकट लेकर के सफ़र कर रहा है और वजह वही है कि 2 या 3 दिन पहले उन्हें पता चल रहा है या 7 दिन पहले पता चल रहा है, तो कैसे टिकट कराएं? क्या MPSB के चेयरमैन साहब मलय श्रीवास्तव उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सोचिए कि MPSB के चेयरमैन साहब को कहीं जाना हो और 1 दिन पहले ही उन्हें बताया जाए तो शायद उन्हें टिकट मिल जाए, उन्हें VIP कोटे से मिल जाए, लेकिन नॉर्मल कोटे से मिल सकता है क्या? और अगर उनको इस तरह से सफ़र करना पड़े तो कैसा लगेगा मलय श्रीवास्तव जी को? ये बात मध्य प्रदेश के उन भांजे भांजियों की है जिनका राग सपने में भी अलापते हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम समस्या तो खड़ी न की जाए कि बच्चे वेटिंग, कोई बिना टिकट के भी होगा, मजबूरी में सफ़र कर रहा होगा, दिमाग में प्रेशर होगा कि परीक्षा देनी है कल जाकर के, तो उससे पहले का प्रेशर होगा कि किसी तरीके से इंदौर पहुंच जाएं इन गैलरियों में सफ़र करते हुए। कुछ बेटियों से भी बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन का डिब्बा था वो लगा के जनरल जैसा क्यों हो रहा है, तो हमसे रहा नहीं गया, सोचा कि बात ही कर ली जाए, और उसका कारण अभी वीडियो में लोगों ने बताई दिया कि क्यों स्लीपर का डिब्बा जनरल जैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? रजनी कुमारी। पुलिस भर्ती परीक्षा आप देने जा रही हैं, टिकट को लेकर के अभी हमने बात की और भी लोगों से वहाँ पर, आपका टिकट क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। ना होने का कारण? बहुत लोगों की भर्ती है ना, तो इसलिए, और ऊपर से मेरे सेमेस्टर भी चल रहे थे तो उसकी वजह से भी रिजर्वेशन मैंने लेट करवाया। तो कितने दिन पहले आपको पता चल गया? कल से, मतलब सेंटर तो मुझे 4 दिन पहले ही पता चल गया था, बट जो कॉलेज था वो मुझे कल पता चला। कॉलेज आपको कल ही पता चला है और पेपर आपका कल? हाँ। और जो सेंटर सिटी वो 6 से 7 दिन पहले आपको? हाँ। तो आपने उस वक्त टिकट करवाया? नहीं। आपने कब करवाया? मैंने कल करवाया था, तत्काल में करवाया था। हाँ। हुआ आपका? नहीं, नहीं हो पाया। जैसे अभी आप जा रहे हैं वेटिंग में, आपका टिकट है, जनरली ऑनलाइन होता तो कैंसिल हो जाता, आपने विंडो से लिया है, किस तरह की समस्या? हम इसलिए भी समझना चाह रहे हैं कि कल एक भर्ती परीक्षा का प्रेशर तो रहता ही है। हाँ। ट्रेन में जब सीट नहीं मिलती है वो प्रेशर बड़ा अलग टाइप का होता है, और तो ज़रा उस प्रेशर के बारे में बताएं, क्या आपके मन में?
अब ये है कुछ कुछ लोग तो मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, तो मतलब थोड़ी कुछ कुछ लोग मजबूरी समझते भी हैं कि भाई हम लड़कियां हैं, लड़के लोग होते, भीड़ भाड़ होती है, तो इससे अच्छा जनरल में हमने बेस्ट समझा कि ले लेते हैं, मतलब टिकट रिजर्वेशन करवा लेते हैं। क्या लगता है कि सिटी के सिटी में होना चाहिए सेंटर? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें ग्वालियर तो मैंने मेनली बहुत कम ही देखे हैं, बस सबसे ज़्यादा इंदौर, जबलपुर वगैरह यही सब ज़्यादा देखे हैं। आप वापस आएंगे, वो क्लियर है आपका? नहीं, मैं बस से आऊँगी। हाँ, क्योंकि अभी बस से जा के अब वो एकदम से हो गया, कल मेरा एग्ज़ाम था तो फिर नहीं हो पाया, अब टिकट का भी करवा लिया था मैंने, तो इसलिए तो मैं वापस बस से आ जाऊँगी। इनका कहना है कि परीक्षा देने के बाद बस से आएंगे, लेकिन जा ट्रेन से रहे हैं, अचानक में उनको जाना पड़ा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है वो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पीछे लोगों ने कहा कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें ये टिकट भी बड़ा भारी पड़ता है, तो उनका कहना सीधा सा ये है कि अगर मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के अधिकारी ग्वालियर का ग्वालियर में सेंटर कर देते, चूँकि ग्वालियर एक बड़ा शहर है, बड़े बड़े नेता आते हैं वहाँ से, अभिनेता वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर सेंटर ही कर देते तो इनकी समस्या शायद दूर हो जाती, लेकिन इस समस्या से गुजर रहे हैं, इंदौर के ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर, इस चक्कर में ये चक्कर काटे जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी परीक्षा या पेपर आउट हो जाए तो सोचिए किस पर सवाल किया जाए। पटवारी का तो हो गया, पुलिस भर्ती का होगा या नहीं ये समय बताएगा। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं और इसका समाधान आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।